नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, धनतेरस के दिन नया सामान खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन हम बर्तन और ज्वेलरी आदि खरीदते हैं। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना भी शुभ माना जाता है, ऐसा कई कई लोगों को पता होगा। चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे की वजह के बारे में। नंबर एक, दोस्तों धनतेरस के दिन धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनिया बहुत अच्छा होता है। यही कारण है कि लोग बर्तन के साथ साथ इस दिन सूखा धनिया भी खरीदते हैं। नंबर दो, शहरों में आमतौर पर इस दिन लोग सूखा धनिया खरीदते हैं, वहीं गांव में गुड़ और धनिया को मिलाकर नैवेद्य बनाया जाता है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए नैवेद्य चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर तीन, दोस्तों ना सिर्फ धनतेरस के दिन बल्कि आमतौर पर भी माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान धनिया यूज करना काफी फलदायी माना जाता है। नंबर चार, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ साथ आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए भी धनतेरस के दिन धनिया खरीदना अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन धनिया खरीदने से हमें ढेर सारे फल की प्राप्ति होती है। पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को धनिया चढ़ाएं और पूजा के बाद इसे तिजोरी में रख दें। नंबर पाँच, धनिया खरीदने के अलावा आप धनतेरस के दिन झाड़ू, गोमती चक्र, श्रृंगार का सामान, कोड़ियाँ खरीद सकते हैं। यह सारी चीजें बहुत शुभ मानी जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।